आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया वैद्यास के फाउंडर डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी। इनसे बात करेंगे, आज हेम्प सीड्स का जो लॉन्चिंग की है उसके बारे में बात करेंगे। जुनेजा साहब, जरा बताएं कि आज जो आपने हेम्प सीड्स का जो लॉन्चिंग की है और शुरुआत की है, वो कैसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और किस तरीके से आप आगे इसको प्रमोट करेंगे, जरा उसके बारे में बताएं। जी, तो आज का जो इवेंट था प्रेस क्लब में, ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि FSSAI जो हमारी फूड की बॉडी है, उन्होंने हेम्प सीड्स और हेम्प सीड ऑयल को फूड कैटेगरी में एक अप्रूवल दिया है। भारत सरकार के तरफ से ये संदेश एक गजट नोटिफिकेशन आया है कि जो हेम्प सीड और हेम्प सीड है उनको अब हम फूड के अंदर कंसिडर करें, और जितनी भी कंपनीज हैं जो हेम्प सीड या हेम्प सीड ऑयल को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, वो एज ए फूड लाइसेंस लेके इसको मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। एंड इंडियन वैद्यास हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे पूरे देश के करीब 2 लाख डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, फॉलोवर्स जुड़े हैं आयुर्वेदा के। और हेम्प को, जिसको हम भांग के बीज अगर समझें, तो इसके अंदर काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, आयुर्वेद में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। एंड हम अपने पेशेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल जो स्वस्थ लोग हैं वो भी इसको ले सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3, 6 और 9, जो कि अकेला एक हेम्प सीड ऑयल है वेजिटेरियंस के लिए, इसके अलावा सिर्फ फिश ऑयल में वो पाया जाता है, ये सारी खूबियाँ इसके अंदर हैं। भारत सरकार ने इसको समझा, अब फूड के अंदर इसको लाइसेंस दिया, तो इससे अब इसका बाज़ार खुलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ इसको बना पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डायरेक्ट ले पाएंगे, एज ए फूड इंग्रेडिएंट अपना पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड इससे हम काफ़ी हद तक जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो पोषण की कमी है हमारी जनसंख्या में, उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि ये मेडिसिन नहीं है, एक एनर्जी है जो कि हेल्थ फोर्स के लिए जो है बॉडी को जो है काफ़ी पावरफुल बनाएगी। तो ये एक और है, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि 60 से 70 नंबर्स पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, वो बीपी और शुगर से जो है अग्रसित है, तो उसमें कैसे ये बेनिफिशियल होगी? जैसे मतलब मान लीजिए इसकी अगर कोई ज़्यादा परेशान है, तो इसको लेने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या उसको कुछ सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा? जी, अगर हम बात करें फूड में, तो डेफिनेटली जो हेम्प सीड और हेम्प सीड ऑयल है, तो कई सारी बीमारियों में इसका काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। एंड इसके ऊपर रिसर्च अवेलेबल है, इसके अंदर जो मैंने बताया प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा, कई तरीके के ऐसे पोषक तत्व हैं जो अगर अपनी अपनी डाइट में ऐड करें, तो उसमें बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की दिक्कत है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। या जो लोग बीमार हैं वो भी अगर इनको अपनी दवाइयों के साथ लेना शुरू करें, अपने खाने में इसको इंक्लूड करें, तो उनकी धीरे धीरे दवाइयां भी कम हो सकती हैं। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी सारे बीमारियों में इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, तो इसी संदर्भ में इसको अप्रूव किया गया। और हेल्थ के बेनिफिट्स, तो नो डाउट इसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, जो अपने आप में ये जानने वाली बात है कि ये जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी हमारे किचन में या हमारी थाली में खाना है, उन सब में ये वेजिटेरियंस के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, अगर हम प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की बात करते हैं। और फैट भी हमारे लिए हेल्दी फैट ज़रूरी है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, वहाँ पर भी ओमेगा 3, 6 और 9 का सिर्फ 2 ऑयल है पूरी दुनिया में, फिश ऑयल और हेम्पसीड ऑयल, जिसके अंदर सबसे अच्छा रेशियो पाया जाता है। उस एस्पेक्ट में अगर देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द सुपर फूड, एंड ये सबको डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन आप बताएं कि आप डेली फूड्स में अगर जनता लेना चाहे इसको, तो डेली फूड्स में कैसे इसको ले सकती है, और कौन सा आइटम ऐसा है आपके हेम्प फूड का कि वो डेली ले सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। तो हेम्प सीड्स अगर हम समझें, तो हेम्प सीड्स को आप अपने सब्जी में, दाल में, किसी भी खाद्य पदार्थ में मिला के ले सकते हैं, उसके ऊपर आप 2 चम्मच डाल के उसको मिक्स करके ले सकते हैं, रोटी में आप मिला सकते हैं। हेम्प सीड ऑयल की अगर हम बात करें, तो वो भी आप ऊपर से उसको डालें दाल में, सब्जी में, उसमें कुकिंग नहीं करनी है ये ध्यान रखें, तो उसको हम जैसे सलाद है, फल है, किसी में भी थोड़ा सा मिलाएं और उसको खाएं। 2 चम्मच हेम्प सीड्स और 1/2 से 1 चम्मच हेम्प सीड ऑयल अगर आप डेली ले रहे हैं, तो आपके लिए वो एक भरपूर मात्रा में पोषण तत्व प्रोवाइड करता है। तो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है क्या? जी, मार्केट में ये अवेलेबल, जो अगर हम ऑफलाइन मार्केट की बात करें, तो उसमें अभी थोड़ी लिमिटेशन है। वही एक बाधा थी जिसकी वजह से इसको FSSAI में इंक्लूड किया गया, कि अब आपकी परचून की दुकान, ग्रॉसरी शॉप और जितने भी सुपरमार्केट, बड़े बड़े हाइपरमार्केट हैं, सब जगह ये मिले, क्योंकि वहाँ पर आपको फूड ही मिल सकता है। अभी तक ये दवाई थी टेक्निकली, अब इसको फूड का दर्जा इसलिए दिया गया कि आपकी बगल की परचून की दुकान पे भी ये मिलना शुरू हो जाए। अभी काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो आज के इवेंट में भी हमारे साथ काफ़ी कंपनी जुड़ी, उनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। आप गूगल करेंगे तो MCD या MCD ऑयल के नाम से आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर में इसको मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद।